साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सुप्रीम कोर्ट पर मुझे पूरा विश्वास है और हमारे लिए ही क्यों बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत की सर्वोच्च अदालत एक मिसाल की तरह है। लेकिन कभी कभी मुझे सुप्रीम कोर्ट का दो चेहरा दिखाई पड़ता है। बिना किसी टीका टिप्पणी के आज मैं कई ऐसे मामले सामने रखूंगा जिनमें एक ही आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग फैसले सुनाए हैं और जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दो चेहरा दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के दो चेहरे, कांवड़ यात्रा और बकरीद पर अलग अलग कार्रवाई। कोरोना महामारी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसला लिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक उसी समय पर बकरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा वो उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन 14 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर संघ से बातचीत की और संघ ने इस यात्रा पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता उत्तर प्रदेश के लिए थी वो केरल के लिए गायब थी, क्योंकि वहाँ बकरीद थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब बकरीद के मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लिया तो पीकेडी नाम्बियार ने इसे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस मामले में सवाल पूछा। गौरतलब है कि केरल सरकार ने 17 जुलाई को ही यह फैसला ले लिया था कि बकरीद को लेकर राज्य में 3 दिन यानी 18, 19 और 20 जुलाई को छूट दी जाएगी, लेकिन याचिका लगाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया और कोरोना महामारी के दौरान भी केरल में बकरीद को लेकर छूट जारी रही। अब सुप्रीम कोर्ट के दोहरे चरित्र को समझना तो दोनों राज्यों में कोरोना के आंकड़ों को देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार कोरोना नहीं बल्कि धर्म है। 14 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लिया था, उस दिन उत्तर प्रदेश में कोरोना के महज 93 नए मामले सामने आए थे, जबकि केरल में 15,637 मामले। 16 जुलाई को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर सुनवाई की, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में महज 88 मामले आए थे, जबकि केरल में 13,750 नए मामले। 17 जुलाई को जिस दिन केरल सरकार ने बकरीद को लेकर 3 दिनों की छूट देने का फैसला किया, उस दिन केरल में 16,148 नए मामले आए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 81 मामले। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा पर संघ से बातचीत कर रही थी। 18 जुलाई को जब केरल में बकरीद के 3 दिनों की छूट शुरू हो चुकी थी, तब भी केरल में 13,956 नए मामले आए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 25 नए मामले। 19 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार के रोक लगाने से संतुष्ट थी और केरल सरकार को बकरीद पर छूट दे रही थी, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में कोरोना के महज 40 नए मामले सामने आए, जबकि केरल में उसी दिन 9,931 नए मामले सामने आए। बकरीद पर आज यानी 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया है तो केरल में छूट के 3 दिन आज ही खत्म हो रहे हैं। और हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जहाँ 22 करोड़ है, वहीं केरल की जनसंख्या करीब सिर्फ 3.5 करोड़ है। यानी सुप्रीम कोर्ट की चिंता न्याय से अधिक अपनी सेक्युलर छवि बचाने की है। सुप्रीम कोर्ट के दो चेहरे, पत्रकारों पर एफआईआर का मामला। आपको मैं 3 बड़े चेहरे दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। ये तीनों बड़े चेहरे बड़े टीवी पत्रकार हैं। एक हैं विनोद दुआ, दूसरे अमीश देवगन और तीसरे अर्णब गोस्वामी। तीनों के खिलाफ 3 अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई और तीनों ही मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट के पहुंचे तो उसका अलग अलग रुख दिखा। जहां विनोद दुआ को राहत दे दी गई, वहीं अमीश देवगन और अर्णब को राहत देने से इनकार कर दिया गया।
विनोद दुआ ने 30 मार्च 2020 को अपने YouTube कार्यक्रम द विनोद दुआ शो में प्रधानमंत्री मोदी पर आधारहीन आरोप लगाए थे। इसके बाद स्थानीय बीजेपी नेता अजय श्याम ने दुआ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विनोद दुआ के खिलाफ FIR में कहा गया कि दुआ ने अपने YouTube कार्यक्रम द विनोद दुआ शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने की खातिर मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 जून 2021 को फैसला देते हुए FIR रद्द करने को कहा और ये भी कहा कि किसी पत्रकार पर उसके विचार के लिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। वहीं अमीश देवगन के मामले में 6 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया। अमीश देवगन के खिलाफ ये FIR सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए देश के कई शहरों में की गई थी। अमीश देवगन पर उनके विचार के लिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यानी जिस मामले में विनोद दुआ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी की, उसी तरह के मामले में अमीश देवगन को कोई राहत नहीं दी गई। अब अर्नब गोस्वामी का मामला ले लीजिए। रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। 2018 में महाराष्ट्र में रायगढ़ के एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अर्नब को इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो जरूर कहा कि प्राइमा फेसी FIR बेबुनियाद है और हाई कोर्ट इस पर विचार करे, लेकिन उसने खुद FIR रद्द नहीं की और अर्नब को हाई कोर्ट भेजा। यानी अलग अलग पत्रकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट के दो चेहरे, धार्मिक रीति रिवाजों का मामला। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां जलीकट्टू, दही हांडी और महाबलेश्वर मंदिर में रीति रिवाजों पर फैसला सुनाता है, वहीं दूसरी तरफ बकरीद में जानवरों की बलि पर दायर याचिका को ही सुनने से मना कर दिया। 7 मई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि यह पारंपरिक खेल जानवरों की प्रताड़ना करता है जो उनके अधिकारों का हनन है। 17 अगस्त 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाले दही हांडी के लिए नियमों को लागू करने का आदेश दिया। इसके अनुसार 20 फीट से ऊंचे पिरामिड नहीं बनाए जा सकते हैं और 18 साल से कम आयु के बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। 1 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि उज्जैन के महाकालेश्वर के शिवलिंग को भक्त नहीं छू सकते हैं, क्योंकि जल चढ़ाने और छूने से लिंग का पत्थर खराब हो रहा है। वहीं 28 सितंबर 2015 को बकरीद पर जानवरों की बलि को रोकने की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। आखिर क्यों? द हिंदू अखबार की कुछ लाइनें पढ़कर आपको सुनाता हूं। उसमें ऊपर लिखा है, वी हैव टू क्लोज आवर आईज टू सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस सेज चीफ जस्टिस। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सदियों पुरानी ट्रेडिशंस है उसके लिए अपनी आंखें अपने को बंद करनी है। आगे अखबार लिखता है, द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन मंडे दैट इट कुड नॉट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटल बैलेंस एंड हारमोनी इंटरवीन इन सेंचुरीज ओल्ड कस्टम्स ऑफ रिलीजियस फेथ एंड ट्रेडिशन मीन टू अपीज द गॉड्स। यानी जलीकट्टू और दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट का विचार कुछ और होता है और बकरीद पर कुछ और। सुप्रीम कोर्ट के दो चेहरे, महिला पुरुष समानता का मामला। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति वाली याचिका को सुनवाई करने से इसलिए इनकार कर दिया और ये कहा कि ये याचिका किसी पीड़ित मुस्लिम महिला द्वारा ही लाई जानी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केरल के अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की याचिका को स्वीकार कर लिया और न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे अनुमति भी दे दी गई। जबकि हम सब जानते हैं कि इस याचिका को लाने वालों में एक नाम, उसमें मुख्य नाम रेहाना फातिमा सबसे आगे थी और उन्होंने ना सिर्फ याचिका लेकर वो आई बल्कि मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, जबकि
वो दूसरे धर्म से थी। 8 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के अखिल भारत हिंदू महासभा की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार और पर्दा से मुक्ति के अधिकार की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि यह मांग पहले किसी मुस्लिम महिला को करने दीजिए और ऐसा कहकर याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन 28 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 4-1 से फैसला सुनाते हुए केरल के अयप्पा मंदिर में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दे दिया। इस जनहित याचिका पर फैसले के बाद अयप्पा मंदिर में पुलिस बंदोबस्त के बीच सबसे पहले रेहाना फातिमा ने प्रवेश किया। रेहाना फातिमा ने जनहित याचिका भी की थी। सुप्रीम कोर्ट के दो चेहरे, मानवाधिकार का मामला। सुप्रीम कोर्ट की नजर में सेना के जवान का मानवाधिकार और पत्थरबाजों आतंकवादियों का मानवाधिकार अलग अलग है। एक तरफ जहां कोर्ट सेना को आतंकवादियों पर, अलगाववादियों पर, पत्थरबाजों पर पैलेट गन चलाने से रोकती है, ये कहती है कि उन्हें समझाया बुझाया जाए क्योंकि वो भटके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जब एक जवान को पत्थरबाजों ने पीट पीट कर मार दिया, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई, तब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई हलचल नहीं हुई। 14 दिसंबर 2016 को जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर पैलेट गन चलाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेना को पैलेट गन चलाने से पहले पूरे विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी। सरकार ने इस मामले में जवाब दिया कि सेना बिल्कुल आखिरी स्थिति में पैलेट गन का इस्तेमाल करती है और ऐसा उसे मजबूर होकर करना पड़ता है। वहीं 25 अक्टूबर 2018 को सिपाही राजेंद्र सिंह जब अनंतनाग में NH-44 के तिराहे पर सेना के काफिले को सुरक्षा दे रहे थे तो पत्थरबाजों ने मार मार कर उन्हें घायल कर दिया और अगले दिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस मौत पर सर्वोच्च न्यायालय में कोई याचिका नहीं हुई और ना ही कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के दो चेहरे, कश्मीरी पंडित बनाम रोहिंग्या मुसलमान। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर कितनी ज्यादती हुई, नरसंहार हुआ। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसके बाद 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में इसके इस मामले में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनने से ही मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमान जो दूसरे देश के हैं, जो अवैध रूप से भारत में घुसकर रह रहे हैं, उसके खिलाफ जब सरकार ने कार्रवाई की और याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और सरकार को निर्देश दिया कि उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इन शरणार्थियों को वापस भेजा जाए। कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2017 और 25 अक्टूबर 2017 को दो बार 1990 में हुए नरसंहार की जांच के लिए याचिका दायर की जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस आधार पर खारिज कर दिया कि अब कोई सबूत नहीं मिलेंगे, इसलिए इसकी जांच कराने का कोई फायदा नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए 150 रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने के सरकार के कदम को रोकने के लिए 25 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और 9 अप्रैल को फैसला देते हुए कहा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के बाद ही सरकार उनको उनके देश वापस भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दो चेहरे, मानवीय त्रासदी का मामला। कोविड जैसी महामारी जो सदियों में एक बार ही आती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी, जबकि इस मामले में किसी ने भी याचिका दायर नहीं की थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरल में राजनीतिक हत्याओं का अंतहीन सिलसिला जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नींद कभी नहीं टूटी। लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल में विचारधारा के नाम पर सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आज भी हत्याओं का ये अंतहीन सिलसिला जारी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर लोकतंत्र के इस बदनुमा दाग को धोने का प्रयास नहीं किया। इसमें कोई दोमत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में लोकतंत्र में आस्था बनाए रखने का हर समय प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मर्यादा बनाए रखी,
लेकिन कभी कभी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिससे संदेह पैदा होता है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में विचार करने की ज़रूरत है।